Good evening all. I'm Uzma here, and today I'm here to discuss about another technique which you can use in your study to enhance your performance. Okay, so it's title से पता चल गया होगा सलवा method. ठीक है, so I hope you can enjoy the background. So कुछ दिन पहले यहाँ birthday party थी तो उसका ही ये वो है डेकोरेशन. सो एनी हाउ कमिंग टू द पॉइंट, सो हैव यू वंडर्ड कि आपके पास सारा रिसोर्स है, यू हैव अ गुड बुक, यू हैव अ गुड ट्यूटर, एवरीथिंग इज देयर, एनवायरनमेंट इज परफेक्ट, बट एंड यू आर वर्किंग हार्ड ऑल्सो, आवर्स एंड आवर्स यू आर स्टडिंग, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट. ओके, द डिजायर्ड रिजल्ट इज नॉट देयर. ऑन द कॉन्ट्रेरी, there are another student who do not have much resources like you, neither he is studying for hours and hours, just few hours or hardly few hours, and still he is getting the desired outcome. How it is possible? How come he can get the result but you are not getting? It means to say there is something missing, right? So what is that missing thing? That today we will dig deeper and try to understand. Okay, so there's a speaker, motivational speaker, Jim Quick. I hope आप सब लोगों ने सुना होगा. And he used to say, learning is not about just a cerebral process. It's more about emotional process. So इसको ऐसे समझेंगे कि यू गो टू द क्लास रूम. ठीक है, आपको टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, इन्फॉर्मेशन आपने ली, सारी नोट डाउन किया, नोट बनाया, एंड यू कम टू योर होम, आपने रिवाइज किया. ठीक है, और आपको लगा आपको याद हो गया. तो इज़ दिस अ लर्निंग? डू यू रियली थिंक कि ये लर्निंग है? नो, इट्स नॉट लर्निंग, इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, राइट? यू आर टेकिंग द इन्फॉर्मेशन, यू आर फिलिंग इन योर ब्रेन, यू आर पुटिंग, मतलब ब्रेन के अंदर आप बस डाल रहे हो. And it is for short term, it won't go for long term. So what is learning? ठीक है, तो learning is more, it's like Jim Quick कहते हैं कि learning is knowledge combined with emotion. जब आपकी knowledge emotion के साथ combine होती है, then it become a learning. What it means? It means to say knowledge आप कहाँ से gather करते हो? You are gathering it with your left brain. ठीक है, यहाँ से gather करते हो, cerebral part से. And then you are using your right brain, that is your emotional brain, your limbic system. ठीक है, जब ये दोनों sync में work करते हैं, ठीक है, right and left brain, जब sync में work करते हैं, then that information goes to your long term memory. ठीक है, so आज हम यही सीखेंगे कि how we can use both the brain. ठीक है, ये हमें समझना है, because most of the time what happens, होता क्या है ना कि when your one side of the brain is performing, other is switched off. ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि जो लोगों का दोनों एक साथ वर्क कर रहा हो. और जब ऐसा होता है ना, यू क्रिएट अ मास्टरपीस. आप कभी देखना, यू योर सेल्फ आर शॉक्ड कि इतना अच्छा मैंने कैसे कर दिया. इट ओनली व्हेन योर बोथ साइड इज कम्बाइन, आप दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, दोनों ब्रेन को. ठीक है, तो सिल्वा मेथड, एक पर्सन थे सिल्वा, उन्होंने ये टेक्निक यूज़ की, मतलब उन्होंने ये डेवलप किया था. तो इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो है, उन्होंने बुक भी लिखी थी सिल्वा मेथड पे, मतलब उनकी टेक्निक पे. सो यू कैन गो एंड रीड दैट ऑडियो बुक ऑल्सो, इट्स वेरी गुड इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. सो इट इज़ वेरी गुड. बट हियर आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ दैट मेथड इन योर day to day activities as well as in your study. ठीक है, and guys believe me, it works wonder, it is one very magical, it will give you 100% result. Because for me, I am using it from childhood, मेरी ये natural था. ठीक है, I am doing it naturally. ठीक है, हमें नहीं पता था कि it's some kind of technique. It's just like few months back I came to know
कि हाँ ये ऐसे कुछ ऐसी टेक्निक है सलवा मेथड. सो आई थॉट इट्स फॉर मी इट्स नेचुरल. सो सबके लिए नेचुरल नहीं होता है. सो आई थॉट कि आपको भी बता दिया जाए. सो यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ एंड इट विल बिकम अ नेचुरल थिंग फॉर यू. ठीक है. सो कमिंग टू द टेक्निक. सो न्यूरो साइंस में जब रिसर्च की गई और ब्रेन के डिफरेंट एरियाज का EEG लिया गया. ठीक है. सो दे गॉट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स. सो आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल ऑफ क्या कैसे लिया गया और क्या किया गया. दैट इज़ ऑल न्यूरो साइंस स्टफ. सो हियर इट्स अ जनरल वीडियो स्टडी टेक्निक वीडियो. सो आई विल ब्रिंग इट इन अ वेरी सिंपल वे. सो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव एंड बेस्ड ऑन देयर फ्रिक्वेंसी, मतलब कितनी स्लोअर फ्रिक्वेंसी टू हायर फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे वो वेव्स ली गई थी. तो सबसे पहले आपकी डेल्टा वेव्स. डेल्टा वेव्स यू गेट व्हेन यू आर इन अ वेरी डीप स्लीप, मतलब वहाँ पे बहुत शॉर्ट साइकिल्स आपको मिलेंगी. ठीक है. सो एंड देन यू गेट योर थीटा वेव्स, जहाँ पे आप मेडिटेशन स्टेट में होते हो, ट्रांस स्टेट में, जो ल्यूसिड ड्रीमिंग होती है, व्हेन यू आर आपको लगता है आप जाग रहे हो बट स्टिल यू आर सीइंग, मतलब ड्रीम में हो आप. ठीक है. स्पेशली इन मेडिटेशन स्टेट यू गेट द थीटा वेव्स. ठीक है. सो दीज ऑल आर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस पार्ट. ठीक है. जब आपको पता नहीं है आपके चल क्या रहा है, यू डोंट रिमेम्बर दीज थिंग्स. देन कम टू दी अल्फा वेव्स, थोड़ी सी उससे ज़्यादा वो साइकल्स होती हैं उसमें. एंड अल्फा वेव्स वील सी हियर इन डिटेल. ठीक है. सिल्वा मेथड में अल्फा वेव्स ही यूज़ करते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में. नेक्स्ट इज़ योर बीटा वेव्स. बीटा वेव्स इज तब आती हैं जब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्शन, डे टू डे आप एक्शन, क्विक एक्शन यूज़ कर रहे हो. ठीक है. आप डिसीजंस ले रहे हो. ठीक. मोर ऑफ योर लॉजिकल पार्ट बीटा वेव्स में आता है. ठीक है. तो ये जो वेव्स होती है, मतलब ये तब अच्छा है जब आपको क्विकर एक्शन लेना है. ठीक है. फटाफट आपको एक्ट करना है. ठीक. बट अगेन प्रॉब्लम, अगर इफ़ यू आर अवेयर कि ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं. ठीक है. यू गेट थाउजेंड्स ऑफ थॉट. तो अगर माइंड इज इन आपका ब्रेन जो है, अगर वो बीटा वेव स्टेट में, बीटा स्टेट में, यू गेट 60 थॉट्स पर मिनट. मतलब इट्स लाइक अ फज फज. आप दो थॉट एक साथ नहीं सोच सकते. एंड इमेजिन के 60 थॉट्स मीन्स फोकस नहीं रहेगा आपका. ठीक है. एक चीज़ की तरफ, मतलब लेस प्रोडक्टिव होती हैं. एंड द लास्ट वेव इज गामा वेव. उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करना है. इफ़ यू कम टू अल्फा स्टेट, आपके जो जैसे जैसे आप डेल्टा तक पहुँचते हो ना, आपके थॉट जो है बिल्कुल ज़ीरो होते हो जाते हैं. ठीक है. डेल्टा वेव में जब आप अल्फा वेव्स में आते हैं, आपके 30 थॉट्स हो जाते हैं पर मिनट. मतलब आप डिक्रीज, जब आपका थॉट डिक्रीज होगा तो फोकस इंक्रीज होगा. सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस अल्फा वेव, अल्फा स्टेट ऐसी क्या है जो इतनी अच्छी इफेक्टिव है और इसके लिए एक मेथड बना दी गई है. तो अल्फा वेव जो होती है ना, उसमें आपका जो ब्रेन होता है ना, रिलैक्स स्टेट में होता है. ठीक है. बीटा वेव्स में यू आर परफॉर्मिंग, आप एक्शन तो ले रहे हो बट ब्रेन इज़ नॉट रिलैक्स्ड. ठीक है. बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस जा रही हैं. जबकि अल्फा में क्या होता है, योर ब्रेन इज़ रिलैक्स्ड, वेरी मच रिलैक्स. और जब रिलैक्स्ड होता है ना, तो उसका फ़ायदा क्या है, योर माइंड इज़ इमेजिनेटिव. आप इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को. यू कैन क्रिएटिविटी जो उतनी भी होती है ना, नए आइडियाज़ जो होते हैं, वो सब इसी स्टेट में आते हैं. ठीक है. तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको ब्रेन को रिलैक्स स्टेट में लाना, अल्फा स्टेट में लाना है. ठीक है. तब जो है परफॉर्म करेगा वेल वेल. और दूसरी खास बात ये है ना कि व्हेन यू आर इन योर बीटा स्टेट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो यू विल फाइंड हार्डली 1 or 2 सॉल्यूशन. कि भाई आपको पता होगा इस प्रॉब्लम को ना इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ओके फाइन लेट मी गो इन दिस वे ओनली. बट व्हेन यू आर इन अ अल्फा स्टेट, यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. मतलब आपका ब्रेन जो है ना, 10 सॉल्यूशन निकालता है एक प्रॉब्लम के. अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं. ठीक है. ये होगा तो क्या होगा. बट इट कैन थिंक इन डिफरेंट वाइडर वे. ठीक. तो इसलिए आपको अल्फा स्टेट में ब्रेन को लाना है. ठीक है. रिलैक्स स्टेट में. सिल्वा मेथड इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग योर माइंड टू अ अल्फा स्टेट. आप
फॉर मी लाइक एनी पर्सन हु हैज नेचुरल एबिलिटी तो ठीक है, आई कैन ब्रिंग माई ब्रेन नेचुरली, मतलब मुझे आई डोंट हैव टू से कि हाँ कम टू अल्फा स्टेट, ठीक है आई कैन ब्रिंग, बट अ पर्सन हु इज़ वेरी मच अ सेरेब्रल पर्सन, जो लॉजिकल पर्सन है, जिसे हमेशा लॉजिक लगाने की आदत है, ओवर थिंकिंग की आदत है, या ज़्यादा ही इज़ टू मच इमोशनल पर्सन, सो फॉर देम इट इज़ वेरी टफ टू ब्रिंग द माइंड टू द अल्फा स्टेट, एंड वेरी रेयर पीपल कैन ब्रिंग दैट अल्फा स्टेट, ठीक है बहुत कम लोग ला पाते हैं नेचुरली। हाँ यू हैव टू डू, मतलब एक एफर्ट लगा के आप अल्फा स्टेट पे ला सकते हो, एंड सिल्वा इज ऑल अबाउट दैट ओनली कि कैसे आप ला सकते हो। सो उसका बेस्ट तरीका ये, अब ऐसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं लंबी लंबी की, मेडिटेशन करो एंड ये करो वो करो, एंड इन दिस एरा मतलब इतनी बिजी लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि यू पीपल विल डू दैट मेडिटेशन एंड ऑल, और मैनी पीपल आर स्केप्टिक ऑल्सो, दे वॉन्ट एंटर दैट स्टेट। तो फॉर यू गाइज आई विल सजेस्ट कि आप यूट्यूब पर जाइए, ठीक है वहाँ पर यू कैन टाइप अल्फ़ा वेव्स फॉर स्टडी पर्पज़, ठीक है आपको मिल जाएंगी, वहाँ बहुत सारी वेव्स होंगी हर फॉर 1 आवर एंड 2 आवर्स, ठीक है 1 आवर 40 मिनट्स से करके वो होंगी, ठीक है वो कुछ वेव्स होती हैं। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, ऑलवेज सेट योर स्टडी एरिया, ठीक है डोंट सेट हियर एंड देयर प्लीज, स्पेशली इन स्लीपिंग एरिया, क्योंकि आपका माइंड जो होता है ना उसमें मेमोरी होती है, अगर आप बेड पे बैठोगे ना इट गिव्स अ सिग्नल टू द ब्रेन कि हाँ भाई सोने का टाइम हो गया, तो नेवर सेट ऑन मतलब स्टडी करने के लिए स्लीपिंग एरिया में आप मत जाइए। तो आपका भी जो भी स्टडी एरिया, स्टडी टेबल है या ज़मीन में बैठ के फ्लोर पे बैठ के पढ़ रहे हो, वेयर एवर यू वॉन्ट टू सिट, अपने नोट्स आप पूरे रखिए जो भी रखना है आपको, ठीक है जिस चीज़ों को आपको पढ़ना है सारी चीज़ें आप वहाँ रखिए, ठीक है देन यू ऑन दैट वीडियो, मतलब वो ऑडियो जैसा ही होता है, मोस्टली कुछ बीट्स होती हैं, साउंड्स विल बी देयर, ठीक है उसको आप हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं, ठीक है लगा लीजिए एंड यू स्टार्ट वर्किंग, अपना जो भी काम आपको करना है कर सकते हो। फॉर मी आई डोंट मतलब हेडफोन में नहीं सुन, आई डोंट लिसन बिकॉज आई एम यूज टू दैट, तो कान में थोड़ा ज़्यादा दर्द होने लगता है फॉर लॉन्गर टाइम, बट इनिशियली बिकॉज यू आर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्केप्टिक कि क्या ये फालतू की टेक्निक है, सो अगर आप बाहर लगाओगे तो उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पाएगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा आप कान में लगाओ, और स्पेशली जब आपके सराउंडिंग में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, आवाज़ आ रही है, तो आप हेडफोन लगा के आप उसको सुन सकते हो एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है आप अपना पढ़ाई जो भी आप नोट्स बनाना है एंड वॉट एवर द फाइमन टेक्निक आई हैव टोल्ड कि उस तरीके से आप पढ़ो वो स्टार्ट करो, यू कैन सी आप खुद डिफरेंस देखोगे कि आप कैसे टाइम पास हो गया आपको पता भी नहीं लगेगा, जो पहले आप 10 मिनट भी आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे विद दिस टेक्निक, विद सिल्वा टेक्निक और विद अल्फा वेव्स यू कैन कॉन्सेंट्रेट फॉर आवर्स, ठीक है आपको नहीं पता चलेगा, सो ट्राई दिस। एंड वन बोनस टिप आई कैन गिव यू, ये भी आई वॉज डूइंग नेचुरली और बाद में पता चला कि ये भी एक टेक्निक है, योर जो सेंसरी ऑर्गन मतलब सेंसेस जो होते हैं ना वो अगर आप अपना यूज़ करोगे ना सेंसेस, तो ज़्यादा अच्छे से आप प्रोडक्टिव वर्क यूज़ कर सकते हो, लाइक यू आर स्पीकिंग आप अपने वर्बल यूज़ कर रहे हो, साइट यूज़ कर रहे हो, हियरिंग ये भी यूज़ कर रहे हो, यू कैन यूज़ योर ऑल्फैक्ट्री सेंसेस भी, ठीक है मतलब स्मेल जो होते हैं ना वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है अब वो कैसे आप यूज़ करोगे, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी स्मेल जो होती है ना इट हेल्प्स इन मेमोरी, मतलब बूस्ट अप करती हैं वो, अब कैसे करती हैं ऑल द डिटेल आई डोंट हैव राइट नाउ, बट कहते हैं तो यू कैन यूज़ सर्टेन एसेंशियल ऑयल, ठीक है आप उसे यूज़ कर सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट कि आप जाओ और यू स्टार्ट बाइंग एसेंशियल ऑयल, इंसेंस होती हैं, ठीक है बहुत सारी स्मेल होती है लाइक लेवेंडर है, ठीक है पेपरमेंट है, रोज़ मैरी है, ऑल दिस इंसेंस यू कैन ब्रिंग
incense stick, not candle. Again, candle is very costly. You can burn it. So it will create an atmosphere. ठीक है, एक आई डोंट नो हाउ इट वर्क एग्जैक्टली, बट इट इज़ देयर. ठीक है, इवन इन जिम को एक लेक्चर ऑल्सो यू कैन सी, उन्होंने भी बोला है कि ये जो ऑल्फैक्ट्री सेंसेस हैं इट हेल्प्स. ठीक है, सो ट्राई दिस टेक्निक. ठीक है, शुरू शुरू में बहुत स्केप्टिकल लगेगा आपको. ठीक है, कि क्या आप फालतू बातें बता दी है, जस्ट मतलब ऐसे ही बोल दिया. बट पर्सनली आई हैव यूज्ड एंड ये बचपन से आई एम यूजिंग दिस, जबकि हमें पता भी नहीं था. इट वर्क. ठीक है, ये वर्क करता है. ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं. दो और स्पेशली ये लॉकडाउन के टाइम पे, व्हेन यू आर स्टडिंग एट होम, जब आप घर पे हो, यू डोंट हैव एनी ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में होते हो तो यू हैव अ मोटिवेशन टू स्टडी. ठीक है, लेकिन जब आपका ग्रुप नहीं है, आप क्लासरूम में नहीं जा रहे हो, एवरीथिंग इज़ वर्चुअल, आपको घर से पढ़ना है. ठीक है, तो वहाँ पे फिर अपने आप को कौन बैठा के रखना है 1 घंटे स्टडी टेबल पे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई अंडरस्टैंड. सो इस सिचुएशन के लिए दिस टेक्निक इज़ वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, सो गाइस मोटिवेशन आई कैन जस्ट टेल यू, बट यू हैव टू अपने अंदर से आना चाहिए. ठीक है, सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो. फर्स्ट टाइम आप करोगे ना, तो डोंट से कि हाँ ठीक है उज्मा ने कहा है, बिकॉज आई ट्रस्ट हर, सो जस्ट फॉलो इट. नो, डोंट फॉलो दैट. लेट योर ब्रेन अडेप्ट. ठीक है, आपका ब्रेन पहली बार में स्केप्टिकल होगा, बहुत ज़्यादा स्केप्टिक होगा कि नहीं फालतू चीज़ है, लेट इट बी. आप करो, ठीक है, पहली बार, दूसरी बार, 10 बार के बाद भी अडेप्ट कर लेगा. ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए. एंड ऑल बेस्ट विशेस फ्रॉम मी. ठीक है, स्टे सेफ एंड हैव अ ब्लेस्ड डे. थैंक यू सो मच.